हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनको पाइपिंग पसंद तो है लेकिन बनाना या लगाना नहीं आती है। तो आज हम बताएंगे कि बहुत ही कम कपड़े में इस तरह से हम पाइपिंग को कट करें और अपने घर में जो हाथ वाला मशीन होता है या अम्ब्रेला मशीन होता है तो उससे किस तरह से हम पाइपिंग बनाए अपने सूट या ब्लाउज के लिए। ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आप भी समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें दो मशीनों का इस्तेमाल किया है, जिसको व्हाइट मशीन जैक मशीन का इस्तेमाल किया है, जिसको व्हाइट मशीन भी कहा जाता है। और हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए एक चोली को कट किया है, उस चोली में हमने ज्वेल नेक यानी क्लोज नेक को कट किया है। जैसे जिस तरह से ये नेक है, इस तरह से एक नेक को उसमें हमने कट किया है और उसमें पाइपिंग भी लगाना आपको सिखाया है। तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पाइपिंग के लिए टुकड़ा लिया है, आप कोई भी पाइपिंग का टुकड़ा ले सकते हैं अपनी पसंद से जो डालना हो। अब हम इसमें आड़े कपड़े में निशान लगाएंगे। ये हमें उरेप करके कपड़े को इस तरह से निशान लगा के इसको कट करना होता है, या बिना निशान के भी आप अगर उरेप काटना चाहें तो कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें निशान लगा के ये कट करना सिखाऊंगा। इस तरह से ये पूरे निशान लगा लेंगे और ये जगह बची थी इधर भी एक निशान दे देंगे। इनको सबको कट करने के बाद में हम सारे पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद में हम फिर पाइपिंग डालते हैं। इस तरह से इसको कट करते चले जाएंगे और कट करके इसको यह अपनी उरेप पट्टी देखेंगे। देखना कितनी प्यारी ये उरेप पट्टी आई है, इसमें पाइपिंग बहुत प्यारी निकलेगी। इसी तरह से ये हमें पूरा पीस को कट कर लेंगे। अब पाइपिंग बनाने के लिए हमें ये हाफ बूट चाहिए और ये पाइपिंग थ्रेड चाहिए और ये हमारी उरेप पट्टी है कटी हुई। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से पाइपिंग को हम अंदर दबा लेंगे और ये मशीन के हाफ पैर के नीचे रखेंगे। और अब देखिए इसे इस तरह से उंगली से दबाते हुए, इस उंगली से इस तरह से, और पाइपिंग थ्रेड को अंदर रखते हुए ये मशीन को चलाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग बन रही है। देखना हमने ये सारी पाइपिंग के जोड़ लगा लिए हैं। पहले जो हमने क्रॉस भाग काटा था उसको पूरा ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ में। उसके बाद में ये देखो थ्रेड है ना, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको उंगली से इस तरह से कपड़े को दबा के चलाना चाहिए। अब ये पाइपिंग देखना कितनी प्यारी पाइपिंग ये बन के तैयार हुई है, ये देखिए। अब इस पाइपिंग को आप सूट के गले में, आस्तीन में, ब्लाउज में, दुपट्टे की चारों साइड भी बहुत अच्छी पाइपिंग लगती है, तो आप लगा सकते हैं। अब ये अम्ब्रेला काली मशीन है, हम इससे पाइपिंग बनाना सिखाएंगे। ये देखिए पाइपिंग रखने का वही तरीका है, कोई सी भी मशीन में रखो फुट भी वही होता है, सिर्फ बस फर्क मशीन का होता है। ये देखिए इसमें भी उसी तरह से पाइपिंग बनेगी। ये देखिए हाफ बूट की मदद से इसमें भी कितने अच्छे से पाइपिंग बन गई। ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग बन के तैयार हो गई काली मशीन से, जो घर में जो होती है ना उस मशीन से। ये देखिए अब हमने ये एक चोली ली है जिसका ज्वेल नेक कट किया है और ये बैक है, और अब हमने इसकी कंधी भी मार ली है। ये देखिए अब इसमें हम पाइपिंग लगाना दिखाएंगे आपको। तो इसके गले में शुरुआत करते हैं। ये हमने हाफ बूट से इस तरह से देखिए पाइपिंग लगाएंगे, इसे रख के एक पैर के मार्जिन से इसमें पाइपिंग लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे गले में पाइपिंग घुमा लेंगे। ये देखिए रोक रोक के हाथ तो बहुत अच्छे से एक साफ मार्जिन लेंगे तो पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है। और बूट को इसको जो हाफ फुट है इसको सेट कर लेंगे। पहले थोड़ा लूज पाइपिंग डालते हैं, लगाने के टाइम में थोड़ा सेट करते हैं इसको। ये देखिए इसके गले में ये पाइपिंग लग गई है, अब इसको कट कर लेंगे। इसके बाद में हमें ये देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग लगी है, ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। इसी तरह से हम काली मशीन से भी अब लगाएंगे। अब देखिए हम ये अम्ब्रेला मशीन से भी पाइपिंग लगा रहे हैं। ये देखिए हाफ बुट से इसके, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे। ये जो हाफ फुट से है ना, इससे भी ये इजीली देखो बहुत प्यार से ये पाइपिंग इससे भी लग जाती है, जो अम्ब्रेला मशीन होती है घर पे उससे।
हाथ वाली मशीन से भी आप लगा सकते हो, जो हाथ वाली होती है उससे भी आप फुल पैड से पाइपिंग लगा सकते हो। बाज़ार से रेडीमेड ख़रीद के आप पाइपिंग इजीली लगा सकते हो। ये देखिए, इसको कट कर लेंगे। अब देखना, अब हम इसको पक्का करना सिखाएंगे। अब किस तरह से इसका जो ये जो मार्जिंग है ना, आप इस तरह से इस पाइपिंग के मार्जिंग से भी आप इसको पक्का कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जब फिनिशिंग देते हैं तो हम आगे बताएंगे कपड़ा लगा के भी कैसे करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इस पाइपिंग को ऐसे कपड़े को अंदर फोल्ड करके और एक पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं और आप तुरपाई के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो इसी पाइपिंग के मार्जिंग को ऐसे सीधा हम पक्का करते चले जाएंगे एक पैर की मार्जिंग से। ये देखिए कितनी प्यारी पीछे से हमारी पाइपिंग पक्की होती चली आ रही है। ये देखिए बिल्कुल इकसार एकदम मशीन की तरह। ये देखिए इसी तरह से अब हम अपनी पूरी पाइपिंग को पक्का कर लेंगे। ज़्यादातर लोग इसी तरह से पाइपिंग को ही पक्का करते हैं, कपड़ा तो बहुत कम लोग ही लगाते हैं। जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर बुटीक होते हैं जिससे हम लोग करते हैं तो उसमें हम कपड़ा लगाते हैं, इस तरह से पक्का इसको नहीं करते कभी भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह से पक्का करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इस तरह से पूरी पाइपिंग को पक्का कर लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से फुल पैर से कैसे पाइपिंग लगाते हैं काली मशीन से, वो देखिए। ये हम लगा के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से फुल पैर से पाइपिंग लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी सुई को एक साइड को कर लेंगे, पैर की एक तरफ को, और इस तरह से पाइपिंग लगाते चले जाएंगे फुल पैर से। फुल पैर से भी पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी भी लगती है। ये देखिए, इस तरह से बहुत प्यार से फुल पैर से भी पाइपिंग लग जाती है इजीली। अब ये हमारी पाइपिंग पूरी लग चुकी है। ये देखिए, पूरी पाइपिंग लग गई। अब हमें फिनिशिंग से कैसे लगाना है, मेरी तरह से इस कपड़े को क्रॉस कट कर लेंगे, लाइनिंग को, जो बचा हुआ अस्तर होता है उसे, और अब हम इसे लगाना सिखाएंगे। ये देखिए हम इसे कैसे पक्का करते हैं। तो इस तरह से मशीन से रख के फुल पैर से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, फुल पैर से मैं इसमें लगा रहा हूँ। इस लाइनिंग को इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, हमने इसे लगा लिया है। अब इसका मार्जिन कट कर लेंगे एक पैर से। ये देखिए, हमने इसका वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए इसकी स्पीड बढ़ा दी है। ये देखिए, अब इसे लब की सिलाई से अंदर को मार्जिन को पलटते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे सीधी। ये देखना है, ये देखो पाइपिंग बहुत खूबसूरत बैठती है और सूट में या ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग भी लगती है। ये देखिए, ऐसे लब की सिलाई से इसको करते चले आएंगे सीधा, इस मार्जिन को अंदर करके। और ये देखिए, लब की सिलाई इस पर मारते चले आएंगे। ये मैं फुल पैर से कर रहा हूँ सब काम, ये ज़रूरी नहीं कि हाफ फुट चाहिए आपको। ये देखना, बहुत प्यारी फुल पैर से भी बहुत प्यारी पाइपिंग लगती है। इस तरह से इस मार्जिन को आप अंदर करके ये लब की सिलाई मारते चले जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारी पाइपिंग ये अंदर से तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हमें इसको पलट के हेमिंग करना होता है। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।